हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज एंड कॉर्न टिक्की। उसके लिए हम लेंगे दो आलू उबले हुए जिन्हें मैश करके रखा हुआ है, वन बाउल स्वीट कॉर्न जिन्हें मिक्सी में चलाकर हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, लाल मिर्च चुटकी भर, चाट मसाला हाफ टी स्पून, चीज ग्राइंड किया हुआ हाफ बाउल, टू टी स्पून कॉर्नफ्लोर, वन टेबल स्पून मैदा, ब्रेड क्रम्स वन बाउल, नमक टेस्ट अनुसार, अदरक जरा सी टेस्ट अनुसार, हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई। सबसे पहले गैस को तेज करके तेल को गर्म कर लीजिए। उसके बाद आलू को एक बाउल में डालेंगे, उसमें डालेंगे हम कॉर्न, नमक, अदरक हरी मिर्च, लाल मिर्च चुटकी भर, चाट मसाला हाफ टी स्पून, ग्राइंड किया हुआ चीज, कॉर्नफ्लोर टू टी स्पून, ब्रेड क्रम वन बाउल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एनजेटी। ये देखिए हमारा पेस्ट मिक्स हो रहा है। फ्लोर को मैदा को एक प्लेट में रख लीजिए, फिर इनके गोल गोल राउंड्स बनाने के लिए सबसे पहले हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। इससे हाथ पे चिपकेगा नहीं। ऐसे राउंड बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए देखिए ऐसे राउंड्स बना लीजिए। तेल गर्म हो गया है। राउंड्स बनाने के बाद हम टिक्की को मैदे से रोल करेंगे अच्छे से, फिर इसे तलने के लिए डालेंगे। वन बाय वन हम सारे रोल किए हुए टिक्की मैदे में रैप करके डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेना है। वन साइड सिकने के बाद फिर इसे पलटेंगे। गैस को धीमा नहीं करना है।
ये देखिए गोल्डन हो गई है। बाकी की पेस्ट की भी टिक्कियां इसी तरह बना लीजिए। और उन्हें भी ऐसे ही डालते जाइए। ये देखिए इस साइड से भी सिक्की है या नहीं चेक कर लेते हैं हम, कितना अच्छा कलर आ रहा है गोल्डन। ये देखिए ये तैयार है, इसे निकाल लीजिए। आप देखिए इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं भरा है ऊपर, आप चेक कीजिए। ये देखिए चीज से भी और कॉर्न से भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एनजे टिप्स। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं आप अपने व्यू शेयर कीजिए हमसे। ये देखिए ये हो गई, गैस को बंद कर दीजिए। अब हम टिक्की को निकाल लेंगे। टिक्की को कॉर्न्स की टिक्की को मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं आप, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। टमाटो सॉस और हरी चटनी इनके साथ भी आप खा सकते हैं। Please subscribe our channel and it is. Thank you.